एक प्रिवेंटिव मैयर्स के नाते से, जैसे वैक्सीन है, वैक्सीन भी जितनी हमको उपलब्ध हो रही है वो भी तेज गति से, जितने केंद्र हैं 1800 केंद्र हमारे हैं जहाँ वैक्सीन टीके लगाने का इंतजाम किया गया है, उनमें भी प्रतिदिन अभी कभी 50,000 से लेकर 1,00,000 के बीच में जितनी वैक्सीन उपलब्ध होती है उतने हमारे वैक्सीन के टीके लग रहे हैं। लगभग 43,00,000 टीके 18 वर्ष से लेकर 45 तक और 45 से ऊपर, ये दो बैच अलग अलग हैं, तो इन सबको इंजेक्शन ये टीके लगाए जा रहे हैं। बहुत जल्दी हमको एक 3,00,000 3.5 लाख की जो खेप इंजेक्शन की और मिलने वाली है, तो उसके अंदर और खास करके जो फ्रंट लाइनर्स हैं, जो ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनको फील्ड में जाके काम करना पड़ता है, उनको भी प्रायोरिटी से इसमें इंजेक्शन लगाए जाएंगे। 20% कोटा उनके लिए हमने इसलिए रखा है ताकि कोई भी विभाग के लोग जो एसेंशियल सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे वो म्यूनिसपैलिटी के लोग हैं, चाहे पुलिस के लोग हैं, अथवा मीडिया के लोग हैं, या हमारे पावर डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो फील्ड में काम करेंगे, या जो हमारी 80,000 टीमें या बनने वाली 8,000 टीमें जो बनने वाली हैं, इन 8,000 टीमों में लगभग 40,000 एम्प्लॉइज ये इसके अंदर लगने वाले हैं। ऐसे सब लोगों को प्रायोरिटी पर हम ये जो वैक्सीनेशन का इंजेक्शन ये प्रायोरिटी पर लगाएंगे फील्ड में, ताकि निर्भीक होकर के, निर्भय होकर के ये सब लोग काम कर सकें। तो मित्रों, इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए, चाहे प्रिवेंटिव हो चाहे क्यूरेटिव हो, हर प्रकार की काम करने के लिए हमको सबको तैयार रहना है। सरकार इसमें अपनी ओर से पूरा जो भी काम कर सकते हैं वो सब कर रहे हैं। फिर भी इतनी बड़ी बीमारी है, इसमें केवल सरकार के सारे नहीं बल्कि सामाजिक संस्थाएं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, सबको मिल करके और इसके लिए काम करना होगा। यही मेरी आपसे अपील है।